फाइनली तीन कंटेस्टेंट जो बिग बॉस सीजन 16 से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे, उनमें से एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुका है। जी हाँ, प्रियंका चौधरी, गोरी नागोरी और सुम्बुल टोकर खान, ये तीनों घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे। ऐसे में अब वीकेंड के वार पर एक कंटेस्टेंट घर से बाहर हो चुका है और वो प्रियंका चौधरी नहीं है। जी हाँ, प्रोमो में दिखाया गया था कि प्रियंका चौधरी को घर से बेघर कर दिया था, लेकिन वो सब फेक दिखाया गया है। बिग बॉस के मेकर्स ने सभी दर्शकों को वो फेक चीज दिखाई है। इन तीनों में से कोई और ही एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुका है और जिसका नाम आप जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। वो एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे जनता ने सबसे कम वोट दिए हैं और उसके चलते उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। ऐसे में इन तीनों में से कौन सी है वो कंटेस्टेंट, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि तीन कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे, सुम्बुल टोकर खान, प्रियंका चौधरी और गोरी नागोरी। ऐसे में प्रोमो में दिखाया गया है कि सलमान खान प्रियंका चौधरी को घर से बेघर कर देते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि ये बिल्कुल फेक है। प्रियंका चौधरी नहीं बल्कि गोरी नागोरी को सबसे कम वोट्स मिले हैं। जी हां, गोरी नागोरी को जनता ने सबसे कम वोट दिए हैं और वो घर से बेघर हो चुकी हैं। प्रियंका की बात करें तो हो सकता है कि प्रियंका को घर से बेघर किया गया हो, लेकिन उन्हें सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि प्रियंका चौधरी बाद में अर्चना को लेकर घर में आए। जी हां, लेकिन ये तो बात पक्की हो चुकी है कि प्रियंका घर से एलिमिनेट नहीं हुई है बल्कि गोरी नागोरी घर से बेघर हो चुकी हैं। पिछले दो हफ्तों से भी गोरी नागोरी को घर से बाहर लोग कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे, उन्हें खास वोट्स नहीं मिल रहे थे। ऐसे में अब वो घर से बेघर हो चुकी हैं। ऐसे में कुल मिलाकर बात करें तो अब बिग बॉस सीजन 16 से तीन कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुके हैं और अब शो अपने एक कदम और आगे बढ़ चुका है। आप इस एलिमिनेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।